मो एक काम याद आएगा, काम याद आएगा। मम्मी ने कुछ मुझे मंगाया, और मैं भूल गया, जा रहा हूँ अंकल, मैं जा रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ। अरे ऐसा कैसे भूल सकूं मैं, कैसे दिमाग तिल कर गई मेरे। अभी जाऊं, अभी देख आऊं मम्मी। अरे बेटा चाय, अरे बेटा चाय, चाय तो पीता जा बेटा चाय। काम कहीं याद ना आया तो, काम कहीं याद ना आया, इन्यो इन्यो क्यों ना कह रहा तू, भज्जी तो डर के गए हो, भज्जी तो डर के। ऐसा कौन सा काम याद आ गया जो बिना चाय पानी पिए निकल गए यहाँ से? ओ देखो तो सही, देखो तो सही, क्या तमीज से बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या तमीज से बात कर रहे हैं। इन्हें इन्हें कौन सा काम याद आ गया इन्हें, यार लोणू थे तो इन्हें कह के बात कर रहे हैं इन्हें। यू कहीं को नवाब है, यू कहीं को नवाब है, तुम यहाँ पे ऐसा बात कर रहे हो। इन्हें इन्हें कौन सा काम याद आ गया इन्हें, कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे कहते यार कौन सा काम याद आ गया जो चलो गए यहाँ पे, ऐसा बोला करो वहाँ पे। अब मेहमान है वो हमारे घर के मेहमान, तू भी तमीज से बात करे कर, उनते मैं बता रहा हूँ, तू भी तमीज से बात करे कर। बहुत दिन से देख रहा हूँ तो तू उनते तू तू करके बात करेगा, यहाँ बता रहा हूँ बहुत मारूंगा तो। ऐसे मेहमान है मैं अपने लन कालन, मतलब मैं यू कहना चाह रहा हूँ, ऐसे मेहमान है मैं घर में ना घुसाना चाहूँ, तुम्हारे लिए मेहमान होगा, मेरे लिए मेहमान ना हो। और अभी तो मेहमान बन कैसे गए, यह बात बताओ पहले तुम लोग, अभी तो मेहमान बन कैसे गए, अभी अभी तो बस वहाँ ने हाँ करिए कि हाँ मैं सब बोते शादी कर लूंगा, अभी अभी तो शादी वादी हुई ना कि अभी तो मेहमान बन गए तुम्हारा, अभी तो तुम बातें तुम करके बात करने लगे। तू जितना धींगरा बने ना सबके सामने, तू जितना धींगरा बने उतना धींगरा है ना तू, मैंने ये कान के नीचे धर दिया ना तेरा सगरा धींगरापन निकल जाएगा। अच्छा जी ऐसी बात है, हाँ ऐसी बात है, तो फिर एक बार गुथवा दो अपने दामाद पे, अभी पता चल जाएगी कौन में कितनी ताकत है और कौन में कितनी ताकत ना है, गुथवा दो अपने दामाद पे, जो तुम्हारा दामाद बनने वाला हो ना गुथवा दो आते आज ना, मैंने भी वहाँ की गांड में बल्लम दे, गुथवा दो आज तुम बल्लम का, बल्लम का लो फेंक दी मैंने बल्लम भी, बाकी लिया तो मेरी लात और घूसा ही काफी है, जब चलेंगे ना बाकी ठूठ पे बराबर बराबर तो सगरी बाकी हैकड़ी निकाल दूंगा एक बार में ही। बुला लो अपने दामाद, जाओ बुला लो कॉल करके बुला लो अपने दामाद, अभी पता पड़ जाएगी तुम्हारे दामाद में ज्यादा ताकत है या तुम्हारी बहू के छोरा में ज्यादा ताकत है। सास के की आड़ पे एक लात मार दी ना वहीं बैठा दंग। क्या करो, कहाँ पे लात मारेगा, कहाँ पे मारेगा बताइए, आपका दोबारा बताइए कहाँ पे लात मारेगा, गाड़ पे। अभी तुम्हें कुछ और सुनाई आई, और कुछ सुनाई आई, और कुछ कहा सुनाई आई तुम्हें, मैं तो ज्यादातर गाड़ पे ही हमला करूँ, गाड़ पे ही बजाऊँ मैं ज्यादातर लात घूसा, तो ऐसा लगे ना गुदगुदी सी होवे तो मजा भी आवे। मजा भी आवे वो तो, और कुछ सुनाई आई अभी, गलत सुन लियो तुमने, गलत सुन लियो, और कुछ ना बोलो, मैंने गाड़ ही बोली, गाड़ ही बोली मैंने। तो फिर बुला रहे हो अपने दामाद, बुला रहे हो तू चलो जा भज्जी, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तू चलो जा, इतना काटूंगा नहीं, इतना काटूंगा मुँह से बहस करना भूल जाएगा फिर तू। जा रहा हूँ पर जब भी तुम्हारा अपने दामाद के गुथवाने का मन होवे ना तो बता देंगे, मैं राजी हूँ, राजी हूँ मैं, और भाई भी राजी कर लेंगे, सब शादी वादी करना भूल जाएगा यार घर में, जब एक बार मैंने वही ठूत छेद दी। कहा छोरायू हे भगवान, कहा छोरायू, या ना तो मेरा दिमाग खा रखो सगरो। वाह लोड़ू तो बिल्कुल भी शादी ना होने दंगा, अपनी बहन की वाह लोड़ू तो शादी नहीं होने दंगा, वो माधर चोद आदमी है पूरा, मो लग रहा पूरा माधर चोद आदमी है, दहेज में ट्रेन मिले उन्हें, दहेज में सास कन के गाड़न के कच्छा में छिद है रहे, ट्रेन मिल रही है, हाया भूसा चाहिए, हाया भूसा, हाया भूसा के संग दो कच्छा चाहिए, सास कन ने सब कुछ हम तो ही चाहिए, और गोली इतनी बड़ी बड़ी फिकवा लो के पूछो मत। रुक बहन रुक एक मिनट रुक, हाँ हाँ बता, मेरे ढंग बैठ एक मिनट आके मेरे ढंग बैठ, हाँ बता बहन सच बताइए, देख सच बताइए, वाके घर के सगरे भीचू ना, जोन ते तेरी शादी करवा रहे का पापा भीचू ना, देख दहेज में उन्हें ट्रेन मिल रही है, कितनी बड़ी बड़ी गोली फेंक रहे का ट्रेन मिल रही है मो दहेज में, और हम तो उन्हें हाया भूसा चाहिए, नाम पतो ना भाई को, हाया भूसा मांग रहे, हावा भूसा दे रहे हमको, हावा भूसा के संग दो कच्छा और चाहिए उनको, क्योंकि वाके कच्छा के संग संग वाके पापन को कच्छा गाँव पे फट रहो तो उनको दो कच्छा भी चाहिए। तो सही रहो तू भज्जी, तो सही रहो, तो फिर जाके पापन तो मने क्यों ना करे, मने क्यों ना करे, मुँह अच्छा ना लग रहा छोरा, मुँह तो बिल्कुल भीचू आदमी लग रहा हूँ, भीचू आदमी वहाँ पे का होगा जो मुझको खवा पियाएगा, का खवाएगा मुझको, का पियाएगा। अब तो मैंने हाँ कर दी, तो ना करने में कौन सा टाइम लगेगा, ना कर दे हाँ कर दी तो अब ना कर दे, देख मैं तेरा भैया हूँ, मुँह पे यू जिम्मेदारी है, तो अच्छे घर में भेजना, अच्छे घर में तेरा ब्याह करना, पर मुँह या छोरा पे बिल्कुल बिल्कुल भरोसा ना, या छोरा पे, हाँ मैं बता रहा हूँ सब बोतों को, देख मैं यू बिल्कुल भी ना चाहूँ कि मेरी बहन दूसरे घर में जाकर दुखी रहे, दुखी रहे मेरी बहन, तू दुख रहेगी तो मुझे भी बहुत दुख होगा, हाँ मुझे भी बहुत दुख होगा यह बात को। तो मैं या लिया तो कह रहा हूँ वाते शादी मत कर, हाँ वाते शादी मत कर, देख देख तीन बार भाई की मम्मी चाय बनाने गई हमारे लिए, और देख एक भी बार चाय नहीं आई वहाँ पे, सोच के बता दिए चल।
क्या बात है धनुआ, अब तो शादी पक्की है गई तेरी है, शादी पक्की है गई, क्या बात है, अब तो शादी होने वाली है तेरी। यार तू भी का अब तो लड्डू फूटन गई मन में, अब तो लड्डू फूटन गई, अब तो बता दे भाभी कैसी है हमारी, कैसी है भाभी। भाभी भाभी बिल्कुल कैसे बताऊं, तो कैसी बताऊं, तेने देख ली ना, तेने देख ली तो तेरी आंख चुदिया जाएंगी, इतनी इतनी सुंदर है तेरी भाभी। इतनी पटोला तेरी भाभी, बता रू हाँ तो कू, इतनी पटोला तेरी भाभी, जब मैं वहां को एक बार देख लू ना, एक बार देख लू तो मेरा भी ऊपर नीचे ऐसे हिल लगे, मेरा मन करे के अभी चिपक जाए आते। तो जैसे नल्ले आदमी को इतनी स्मार्ट लड़की कैसे मिल गई, मुझे ये बात समझ में ना आ रही, कैसे मिल गई तो को इतनी स्मार्ट, तेरे भाग कैसे चमक गए हैं तू, ना कोई इतने बढ़िया काम दहलाते लग रहा कि हाँ मिल सके इतनी स्मार्ट लड़की मिल सके, तू नल्लो आदमी अनपढ़ गवार आदमी, तो को कोई काम दहला पे तो लगा बना, तो को अपनी छोरी इतनी बढ़िया कैसे दे सके। सास के नल्लो गवार बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी मिल रही है मुझे स्मार्ट लड़की, तीसरी तीसरी पढ़ो हूँ मैं तीसरी। ओहो देखो तो सही, देखो तो सही, तीसरी पढ़े लिखे यू नवाब, तीसरी के तो ऐसे रहो, ऐसे रहो जिस दिन कितनी डिग्री फाड़ के दर्द हूँ, पढ़े लिखे यू तीसरी। सास के भंगेड़ी तुक्काते मिल रही होगी, तुक्काते इतनी स्मार्ट लड़की तुक्काते मिल रही होगी, नहीं दो बार भैया तो कोई कल्लो भी ना दे, मैं बता रहा हूँ। अरे मो पतो तेरी गांड फुक रही है, गांड फुक रही है तेरी, मो इतनी स्मार्ट लड़की मिल रही है तो तेरी गांड फुक रही है। सास के हवा हवा का बोले हाया भूसा मिल रही है मो को दहेज में, हम भंगेड़ी आदमी के नसीब तो देख, नसीब तो देख, हाया भूसा मिल रही है दहेज में, हाया भूसा मिल रही है, नहीं तो बार आदमी है तो कोई साइकिल भी ना दे, हमें हाया भूसा तो मिल रही है भंगेड़ी सही हम पर। और देख दो कच्छा भी मिल रहे हैं, कच्छा भी मिल रहे हैं, तीन चार साल है ही मोया कच्छा पेड़ पेड़ गण पे तो घिस गो पूरा, अब देख नया कच्छा भी मिलेगा शादी पे हमें, एक ना दो दो कच्छा और मिलेंगे। हाँ कच्छा भी दे रहे हैं तो को? और का कच्छा न देंगे बेटा, मो लग रहा तुमने कुछ ना कुछ झूठ बोलो, कुछ ना कुछ झूठ बोलो, जब जो इतना सामान मिल रहा तो हाँ मैं बता रहा हूँ, इतनी स्मार्ट लड़की के संग हाया भूसा और दो कच्छा, क्या बात है। अब ऐसी सोचोगे तुम, ऐसी सोचोगे क्योंकि तुम्हारी गांड फुक रही है, हम बार भैया देख के तुम्हारी गांड फुक रही है, वो स्मार्ट लड़की मिल रही है और वहाँ के संग हाया भूसा और दो कच्छा मिल रहे हैं, तो गांड तो फुकनी है तुम्हारी। हम तो बात कर लो कुछ, तू कौन है भाई, अब बोलियो क्या कह रहा मेरी बहन के बारे में, क्या कह रहा तू, अब बोलियो क्या कह रहा मेरी बहन के बारे में, स्मार्ट स्मार्ट पटोला पटोला वटोला क्या कह रहा तू मेरी बहन के बारे में। भज्जी मैं कब कह रहा हूँ ऐसे, मैं न कही ऐसे, मैं कब पटोला पटोला कह रहा हूँ, मैं न कही ऐसे। ओए इसको देखियो, हाँ कहीं ना कहीं आने मेरी बहन के बारे में पटोला, कही भाई साहब कही, सास के कब कही मैंने, कब कही पटोला, ऐसे ऐसे कब कही मैंने। और मेरी बहन देखती तेरी ऊपर नीचे हिल लगे हैं, ऊपर नीचे हिल लगे तेरी मेरी बहन देख के, और तभी तेरा मन करने लगे अभी चिपक जाऊं, या फिर अभी चिपक जाऊं सास के, अभी चिपकवाऊंगा तो मैं बता रहा हूँ अभी चिपकवाऊंगा। भाई साहब बोला तुमने यहाँ की सब बात सुन ली, दिखे भज्जी मैंने ना कही ऐसा चिपकने वपकने की, मैंने कुछ ना कहा। सास के तेना कुछ ना कहो तो वैसी पता चल गई मोह है, वैसी पता चल गई सारे सगड़ी बात में सुन लो ना तेरी झाड़ी में बैठ के। फिर तो तुमने ये भी सुन ली होगी, भंगेड़ी है यू कुछ काम दहला करे नल्लो आदमी। हाँ हाँ बता दे जो तो ना बात सुनी हो भाई भी बता दे मैं भंगेड़ी हूँ नल्लो हूँ सब बता दे। यू कह तो रहे ना सगरी बात सुन ली है तो यू भी बात सुन ली होगी, मोह का मतलब इन्हें बात बताने को है, तू नशेड़ी सही कुछ सही मोह का लेना तोते और इनते जी भाई साहब। बेटा सही सक कर रहा हूँ मैं तू पर, सही सक कर रहा हूँ, पहले की सको तो तू भंगेड़ी नशेड़ी गंजेड़ी सब कुछ है तू, पहली सको मुँह और आज सुन भी ली यू बात सच है। ओए तूने साइड में हट जा तूने, ठीक है भाई साहब ठीक है। भज्जी मैं बता रहा हूँ अगर तेरे मन में मुँह से गुथने की चल रही है तो मैं बता रहा हूँ मेरा भी हाथ उठ जाएगा अब के, हाँ मैं भी ना बख्शू तो मैं यू ना देखूंगा कि तू बालक है अब के मेरा भी हाथ उठ जाएगा। सेट है बिल्कुल सेट है मेरी बहू, सेट खड़ा है जा, इनको ऊपर नीचे हिल लगे मेरी बहन देखते यू खड़ा ही है ना बंद है जाएगा आज के बाद। फोड़ दी मेरा फोड़ दी, देखिए मेरा हाथ टूट गया, फोड़े मेरा नाम मत लेते और फोड़े तो ओए बताइए मैंने फोड़े कोई। अरे अरे तुमने कहा फोड़े यू घिर को आप फूट गए आगे, तुमने कहा फोड़े मैंने ऐसा कर दिया जो तुम मेरे माई घुना रहे हो सगरे ना, तेने कहा कुछ करो वैसे यू सगरे यहाँ पे आ गए तो तेने लात मारी थी, मारी थी तेने लात आके।
कहाँ पे लात मार दी मैंने आके? पता तो सबे यहाँ चूतिया बना रहा हूँ। कहाँ पे लात मार दी, कहाँ पे ना मार दी? कहाँ पे लात मारी तेने आके? ना सच में पापा, मो ना पता कहाँ पे लात लग गई आके? मो पता ही ना कहाँ पे लात मार दी मैंने आके। तू कहना रहा, एक लात मार दी मैंने आके? मैंने कहीं ना कहीं आ पे लात मारने की, और मैंने आके आ पे लात मारी ना। और वैसे हो गया यू आ हो गई यू आ पे लात? मैंने कब मार दी आके आ पे लात? भाई साहब, तुम्हारा बच्चा बहुत बदतमीज है, बहुत बदतमीज है तुम्हारा बच्चा। मैं तो सीधा साधा समझे, पर यू मो ना पता, ये ऐसा लिख रहेगा तेने की गोटिन पे लात ना मारी है? गोटिन पे लात ना मारी? बाहर झगड़ा ना हुआ तुम दोनों का? मेरी ठीक तो है जाऊंगी ना, है ठीक है जाऊंगी मेरी, ना हुई ठीक? ऐसे तो मैं नामर्द है जाऊंगा, है नामर्द है जाऊंगा, ऐसे तो मैं यू ठीक ना हुई तो, यू ठीक ना हुई तो मुझे कोई शादी भी ना करेगा।